ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम नजर आते हैं, उसी से इंस्पायर होके मैंने सोचा एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा तो क्या मैं कैसेट बना सकता हूँ। शायद जैसा शो मोइन अख्तर पैदा करते रहे वैसा शो शायद ना हो। बहुत मेरा वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ है वो जो हमने किया था टू स्टॉप शो। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में ये कभी ख्याल ही नहीं आता कि मौत का इनका कोई ताल्लुक है, ऐसे जिंदा दिल लोगों में से एक। मुर्गियों की चेकिंग करते हैं, मुर्गों के आंसू निकल आते हैं, बस यहीं तक रहने दीजिए, तफसील में जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर तो बड़े तफसील से चेक करता है, अब जिस तफसील से वो चेक करता है एक मुर्गी ऐसे टर्न हुई और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो मुर्गी डॉक्टर से कह रही हो कि तेरी माँ बहने नहीं है क्या। वतन अजीज में परफॉर्मिंग आर्ट्स, खास तौर से नकाली के फन की बात की जाए तो मोइन अख्तर यकीनन अपना कोई सानी नहीं रखते। इस फन को अपनी वजह शनाख्त बनाकर मोइन अख्तर इस फन का मुस्तनद तरीन हवाला करार पाए और इसी इस्नाम में उन्होंने शायकीन फन के लिए वो बेशकीमत शाहकार पैदा किए जिन्हें आज भी खासो आम में वही अहमियत हासिल है जो गुज़श्ता दौर में हासिल थी। उन्हें आज भी एक वर्सटाइल और बाकमाल फन की हैसियत से याद किया जाता है जिसने सदाकारी और अदाकारी के फन को नई जहत बख्शी। सदाकारी और अदाकारी के अलावा मोइन अख्तर का तर्ज मेजबानी इस कदर मुनफरिद था कि आज तक उसकी नजीर पैदा नहीं हो सकी। मोइन अख्तर रोशनियों के शहर कराची में 1950 में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम महबूब मुरादाबाद से हिजरत करके पाकिस्तान आए और सब मालो मता पीछे छोड़ आए, यानी उनकी जिद्दोजहद का जमाना वक्त पैदाइश से ही शुरू हो गया था। जैसे तैसे उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और 13 बरस की उम्र में अपने स्कूल के थिएटर प्ले में शेक्सपियर के मशहूर जमाना प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक का किरदार अदा किया जो उनकी बाकायदा पहली स्टेज अपेयरेंस थी। मोइन अख्तर उस रोज से अपने करियर का आगाज तसव्वुर करते हैं जब सारा हॉल उनकी परफॉर्मेंस पर तालियों से गूंज उठा था। मोइन अख्तर इब्तदा में मुख्तलिफ अदाकारों की नकाली करते, कभी मुंह से मुख्तलिफ साउंड इफेक्ट्स निकालते और कभी लतीफे सुनाकर हाजरीन को महजूज करते तो कभी गाने गाकर अपने वजूद को शोबिज की दुनिया में जिंदा रखने की जिद्दोजहद करते। उनका कहना था कि उन्होंने बतौर कॉमेडियन एक नई शनाख्त कायम की और एक नया तासुर उजागर किया। मोइन अख्तर तकरीबन 9 जबानों पर मुकम्मल दस्तरस रखते थे जिनमें अंग्रेजी, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, मेमनी, पश्तो, गुजराती और उर्दू शामिल है। यही वजह थी कि वो हर तहजीब से जुड़े करेक्टर को उमदगी से परफॉर्म कर लिया करते थे। मोइन अख्तर ने रेडियो पाकिस्तान पर भी अपनी आवाज के जौहर दिखाए और पाकिस्तान टेलीविजन के कयाम के बाद मोइन अख्तर ने यौमे दिफा 1967 में टीवी पे पहली परफॉर्मेंस दी जिसमें उन्होंने मशहूर हॉलीवुड एक्टर एंथनी क्वेन की नकल उतारी और साबिका अमरीकी सदर जॉन ऑफ कैनेडी के अंदाज में उनकी तकरीरें दोहराई। बाद अजां जिया मुहियुद्दीन शो में भी एंट्री दी। मोइन अख्तर जिया मुहियुद्दीन से खासे मुतासर थे और उनके शो में भी परफॉर्म करके दाद समेटना यकीनन एक संगे मील अबूर करने के मुतरादिफ था। लड़की कहने की आप मुझे जलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी। लड़की कहने लगी नॉनसेंस इडियट जाहिल गवार बदतमीज। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मैंने आपके दुम पे पैर रख दिया हो। 70 की दिहाई मोइन अख्तर की शोहरत का उरूज का जमाना समझा जाता है, लेकिन ये भी सहरा मोइन अख्तर ही के सर है कि कैसे उन्होंने अपने अंदाज को तब्दील करके अपने उरूज को बरकरार रखा। और हकीकतन उन्होंने जवाल का दौर नहीं देखा, यानी कामयाबी का जो ताज कुदरत ने उनके सर पर सजा दिया था उसे उन्होंने आखिरी लम्हे तक गिरने न दिया। मोइन अख्तर अपने दौर के वो वाहिद कॉमेडियन थे जिन्होंने पुरकशिश और बावकार लिबास ज़ेब-ए-तन करने की रिवायत डाली। उनसे पहले कॉमेडियंस अजीबो गरीब हुलियों में दिखाई देते थे। यूं तो मोइन अख्तर ने बेशुमार ड्रामे, स्टेज शोज, फिल्मों और कई अदाकारों की नकाली की, लेकिन उनके करियर में रोजी का किरदार मिसाल बनकर रह गया। ये किरदार एक ऐसे अदाकार का था जो औरत का रूप धारता है तो लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। इस किरदार को अदा करके मोइन अख्तर ने लेजेंडरी अदाकार डस्टिन हॉफमैन को टक्कर दी जिनके किरदार से मुतासर होकर रोजी का किरदार तख्लीक किया गया था। इस मुश्किल तरीन करेक्टर की कामयाबी पर मोइन अख्तर एक नाबगाए रोजगार शख्सियत बनकर उभरे। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। देखिए कभी कभी बस ये शादी नहीं हो सकती। ओह माय गॉड, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मुझे घिसा पिटा डायलॉग बोलना पड़ेगा। बस मैंने आपको बता दिया है। अनवर मकसूद और मोइन अख्तर की जोड़ी भी बेहद हिट हुई। लूज टॉक नामी एक टॉक शो जिसकी स्क्रिप्ट अनवर मकसूद ने खुद लिखी और वो इस दर्जे मकबूल हुई कि उसकी इकसात की तादाद 400 तक पहुंच गई। किसी के पीछे बजाते थे
किसके पीछे बजाते थे? ऊंट के पीछे। क्या? अबे साले, जब दायरे जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, जब दायरे हारमोनियम बजाएंगे तो किसी ना किसी के पीछे तो बजाएंगे ना, खातून के पीछे। मोइन अख्तर मेज़बानी के फन में भी यकता थे। उन्होंने ऐसे शोज की भी मेज़बानी की जिनमें बैनुल अक्वामी मुख्तदर हलके के लोग मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाए जाते। उनमें उर्दन के शाह हुसैन, गैम्बिया के दाऊद अल जोजा, पाकिस्तान से जनरल जियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, जनरल याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ और इमरान खान भी शामिल हैं। एक दिन मैं भी सुबह सो के उठा तो अखबार देखा तो फ्रंट पेज के ऊपर मेरी मंगनी हो गई थी। छह मंगनियां करा चुके हैं, ये आपको एक साजिश है, आपको नहीं पता। अखबार वाले आपकी 11 मंगनियां करवा के वो औरतों की एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं। न सिर्फ ये कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने फन का लोहा मनवाया, बल्कि मोइन अख्तर अपनी तर्ज के वो वाहिद फनकार थे जिनके फन को भारत में भी खूब सराहा गया। उन्होंने अगरचे कई बार भारत में जाकर अपने फन का मुजाहरा किया, बल्कि इस बात के इम्कान थे कि अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर होते तो शायद वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने फन पारे बखेर सकते। लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने मशरक वुस्ता का रुख किया, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ भारतीय अदाकारों के साथ स्टेज शेयर किया, हत्ता के एक्सप्रेशन के बादशाह दिलीप कुमार को भी अपना मद्दाह बना लिया। इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार ने फातमी फाउंडेशन के लिए जब भी बैनुल अक्वामी सतह पर शो मुनक्किद किए, कंपेयर के तौर पर मोइन अख्तर ही को मद्दू किया, और मोइन अख्तर बगैर किसी मुआवजे के खून के एहतियात जमा करने वाली इस तंजीम का खैराती काम करने के लिए पेश रहे। इन शोज के दौरान मोइन अख्तर जिस अंदाज से दिलीप कुमार का तारुफ करवाते, ये उन्ही का खासा था, और इन बर्जस्ता जुमलों से हाजरीन तो लुत्फ अंदोज होते, लेकिन इसके साथ साथ मोइन अख्तर और दिलीप कुमार का ऐसा ताल्लुक उस्तवार हुआ जो मोइन अख्तर साहब के आखिरी लम्हात तक कायम रहा। कि इंसान जब ये चाहता है कि उसकी इज्जत हो तो वो आपकी तरफ देखता है, और वो ये सोचता है कि अगर जिंदगी में इज्जत हो तो इस जैसी हो जैसी दिलीप कुमार साहब को इस दुनिया में मिली है। इंडियन अदाकार कादिर खान का नाम भी मोइन अख्तर के मुतासरीन में आता है। दुबई में एक शो की मेजबानी करते हुए उन्होंने मोइन अख्तर को तौसीफन अपने बाप का दर्जा दिया, क्योंकि कादिर खान का कहना है कि मुझे स्टेज पर मुतारिफ करवाने वाली शख्सियत का नाम मोइन अख्तर है। माइक कुछ ज्यादा लाउड नहीं है, इसको बंद करवा देते हैं। अरे ये मेरे अब्बा हुजूर यहाँ खड़े, मैं भूल गया था। जॉनी लीवर, जिनकी कॉमेडी और अदाकारी का एक जमाना मद्दाह है, कई मौकों पर इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी का आगाज ही मोइन अख्तर से मुतासर होकर किया, और उन्हें इस बात पर फख्र है कि मोइन अख्तर से उनका ताल्लुक रहा। ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम नजर आते हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है, मेरे लिए कि मैं मोइन अख्तर भाई को जानता हूँ और मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। मैं जब मैंने अपना करियर शुरू किया स्टैंड अप का, मिमिक्री का, तो मोइन अख्तर भाई कैसे सुन के उनकी कैसेट सुन के उसी से इंस्पायर होके मैंने सोचा एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा तो क्या मैं कैसेट बना सकता हूँ, क्या मुझे भी लोग इस तरह सुनेंगे, ऐसा मैं सोचता था। मेरे लिए बहुत बड़े हैं वो मोइन अख्तर भाई। भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा मोइन अख्तर के सानहाए इर्तिहाल के बारे में इजहार गम करते हुए कहने लगे कि मोइन अख्तर जैसा शो शायद अब कभी भी देखने को ना मिल सके, और उन्होंने इकबाल का ये शेर भी उनकी नजर किया, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं समझता हूँ उनके मुकाबले में, उनके चक्कर में शायद ही कोई आज नजर आ रहा है, लेकिन एक तकाजा है, शो मस्ट गो ऑन, लेकिन शायद जैसा शो मोइन अख्तर पैदा करते रहे वैसा शो शायद ना हो। ये शौक है, सदमा है, इतने मशहूर फनकार अदाकार, इतने जबरदस्त वन एंड ओनली मोइन अख्तर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर करना।
मारूफ शायर और मशहूर जमाना भारतीय फिल्म शोले के स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने मोइन अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, मोइन अख्तर जैसे फनकार के बारे में ये यकीन ही नहीं आता कि उनका भी मौत से कोई ताल्लुक होगा या ये भी कभी दुनिया से चले जाएंगे। तमाम बरसगीर में हिंदी उर्दू समझने वाले लोग जो हैं वो उनके नाम से और उनके काम से बखूबी वाकिफ थे, और कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में ये कभी ख्याल ही नहीं आता कि मौत का इनका कोई ताल्लुक है। ऐसे जिंदा दिल लोगों में से एक मोइन अख्तर साहब भी थे। कौन इतने जिंदा दिल इंसान के बारे में ये सोचना मुश्किल था कि एक दिन वो नहीं रहेगा। भारतीय हीरो मिथुन चक्रवर्ती भी मोइन अख्तर के मद्दाह थे। उनके मुतालिक मोइन अख्तर के साहिबजादे बयान करते हैं कि एक मरतबा मिथुन दा का मोइन अख्तर साहिब को फोन आया और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि अपने चचा यानी मोइन अख्तर से आशीर्वाद लो। मिथुन चक्रवर्ती और मोइन अख्तर को भी दुबई के एक शो में मजाहिया मुकालमा करते देखा जा सकता है। डांस और नहाना दोनों एक साथ हो जाता है जी। तो फिर घर पे तो आप नहाते नहीं होंगे? कैसा इंसान फिल्मों में जो कुछ भी देखते हैं फिल्मों में, वैसे आम जिंदगी में मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। मारूफ अदाकार जावेद जाफरी भी मोइन अख्तर साहब को अपना उस्ताद मानते हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि मोइन अख्तर साहब की ऑडियो कैसेट्स सुन सुन कर वो अपने जमाने तालिबे इल्मी में कॉमेडी किया करते थे। और मेरा उनसे बहुत एक प्यारा सा रिश्ता बन गया था। क्या है कि मैं बचपन से ही जो उन्होंने एक कैसेट्स उनके निकलते थे अपने कॉलेज में स्कूल में वहां से शुरुआत की थी। उनके कसेट्स और उनके जोक्स को मैं बोलता था, कॉपी करता था। एंड वहां से मेरी मुलाकात एक शो में हुई और मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट के मेरे मैं साथ में था उनके शो में, साथ में होस्ट कर रहा था एक शो के बाद। एक दोस्ती हो गई, रहा बहुत ही प्यारे और पुरखलूस और मतलब प्यार करने वाले इंसान थे और काफी अच्छा मेरा एक रिश्ता हो गया था। उसके बाद फिर हमने ये ARY पे शो किया। मैं तो बहुत ही एक मतलब जो सेटिस्फेक्शन होता है क्रिएटिवली अनवर मखसूस साहब थे और मतलब बहुत मेरे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ था वो जो हमने किया था जूस टॉक शो। के बाद फिर रहा कभी ना कभी कहीं ना कहीं, और कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी। हमारे एक फ्रेंड हैं उनके जरिए किताब उनको लिख रही है, तो उनके जरिए हमने बात की थी उनसे और पता चला था कि तबीयत नासाज थी काफी। लेकिन अफसोस तो होता है, बिकॉज कलाकार अदाकार कहीं भी हो एक लगाव हो जाता है और एक कमी महसूस होती है जब चले जाते हैं। तो प्यारे इंसान थे और बहुत ही अच्छे कलाकार थे। मोइन भाई जो थे उनका एक क्लास बहुत ही मतलब एक क्लासी वे में उन्होंने कॉमेडी की और एक मैनर जो था रखा हमेशा चीप नहीं हुए। तो वो बात खास तौर से मुझे बहुत बहुत पसंद थी कि उन्होंने अपने आप को चीप नहीं किया और किसी को गिरा के कॉमेडी नहीं की। तो वो उनकी एक खासियत मुझे बहुत पसंद थी। बहुत आसान होता है जब एक इंसान पोजिशन पे पहुंच जाता है कि सामने वाले को रिडिक्यूल करके या गिरा के, बट उन्होंने वो कभी अडाप्ट नहीं किया। जावेद जाफरी और मोइन अख्तर में एक कदर मुश्तरक उनका आबाई इलाका मुरादाबाद भी था, जिसकी वजह से उनका ताल्लुक बहुत गहरा हो गया और बाद में दोनों ने लूज टॉक में भी इकट्ठे काम किया। आप दोनों पढ़े लिखे? अगर तीनों पढ़े लिखे होते तो प्रोग्राम उठ जाता, चार चांद लग जाते उसमें। भाई ये प्रोग्राम खत्म होने में थोड़ी देर रह गई है। भाई आपके खत्म होने में भी थोड़ी देर रह गई है। ना मानू मैं तेरी इस बात को, तेरी इस अदा को ना मानू, ना पसंद आई तेरी ये बात। अलावा अजीम मोइन अख्तर साहब को गोविंदा, दिव्या भारती और माधुरी दीक्षित के साथ भी स्टेज शेयर करते देखा जा सकता है। ये क्या आपने क्या ये शेयर पढ़ा था कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार? माफ कीजिए, मैंने दो दफा इसलिए पढ़वाया, मैं समझा आपका इशारा मेरी तरफ है। इतना उम्दा आपने काम किया, इतना अच्छा काम किया, ये जो मुस्कुराते रहते हैं इन्होंने कोई टफ टाइम तो नहीं दिया आपको? ये कैसे दे सकते थे, ये तो शबनम थे, शोला मैं थी। शबनम
एक पुरानी कहावत है कि अगर ये देखना हो कि कोई इंसान कैसा है तो ये देख लो उसका सबसे पुराना दोस्त कितने अरसे से है। अनवर मकसूद और मोइन अख्तर की जोड़ी को टेलीविजन पर जो मकबूलियत हासिल हुई शाज ही ऐसा होता नजर आता है। अनवर मकसूद वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने 34 बरस मोइन अख्तर के लिए लिखा। मोइन अख्तर का फनी कद इस कदर बुलंद था कि लूज टॉक के 400 एपिसोड में से एक भी ऐसा नहीं था जब मोइन किसी करेक्टर को प्ले करते हुए चूंके हूँ। मेरी बेगम की याददाश्त जो है ना बहुत खराब है। टेबल पे उन्होंने उबला हुआ अंडा परसों लाके रख दिया। अब वो अंडा मैंने उठाया उस हाथ में यूं करके मैंने उसको सोचा कि थोड़ा दबा के थोड़ा नरम कर लूं। बेगम को? अरे नहीं भाई, अंडा को। बेगम हसली में आ सकती है क्या? मोइन अख्तर को खुदा ने अवाम के दिलों को मुसखर करने का फन अता कर रखा था। जैसे ही वो स्टेज पर आते थे उनका जादू सर चढ़कर बोलता था। असल में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो एक बहुत बड़े एक्टर तो थे ही, बहुत बड़े इंसान भी थे। वो हजारों लाखों का मजमा कंट्रोल कर लेते थे और उनकी गुफ्तगू में इतनी शायस्तगी होती थी। अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते थे, उर्दू वहाँ अच्छी बोलते थे और उन्हें तरीका आता था। जादूगर थे वो लोगों को अपनी तरफ रुजू करने के लिए और जो कहना चाहते थे वो आराम से कहते थे, लोगों तक पहुंचा लेते थे। उनके फन के बारे में तौसीफी कलमात ही हो सकते हैं और उस तरह का आर्टिस्ट दोबारा पैदा नहीं हुआ। और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है ना इसमें कोई ऐसी बात है जो अनोखी हो, क्योंकि ये सच बात है। आपको आसपास नजर दौड़ाएं तो मोइन अख्तर जैसा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह ताला की कुछ ऐसी करामात है जो हर किसी पे नहीं होती और अल्लाह ताला की गिफ्टेड लोग होते हैं। दूसरे उनके बहुत उनके एटीट्यूड में प्रोफेशनलिज्म बहुत था। वक्त पे पहुंचना, टाइम पे अपने काम सही करना, कमिटमेंट पूरी करना और जो भी किरदार करना उसके अंदर बिल्कुल अपने आप को ऐसे गुम कर लेना कि दूसरा परेशान ही हो जाए कि ये अभी तो कुछ और थे अभी ये बन गए। तो इनका तो माशाल्लाह रिप्लेसमेंट ही नहीं है कोई। अल्लाह ताला मेरा खली की दफा एक इंसान ऐसा बनाया था। देखिए अक्सर जो है सबसे पहले तो मेरे लिए एहसास है कि मैं उनके लिए कुछ कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि किसी भी फनकार के लिए या किसी भी सेलिब्रिटी के लिए हम अक्सर एक जुमला यूज करते हैं, दी वन एंड ओनली। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर वो जुमला जो है वो बिल्कुल सूट करता है और वो उनका पूरा कैरियर जो है वो उस बात को प्रूव करता है कि वो सिर्फ एक ही थे। सो मोइन अख्तर जो है, अल्लाह उनको हरीके रहमत करे, अकबर का वजन नसीब करे, वो उर्दू हिंदी इस तरह की जहां भी लैंग्वेज बोली जाती है उन तमाम जुबानों में जितने भी फनकार थे हैं और रहेंगे आएंगे उनमें से उनका कोई सानी नहीं है। वो वाकई अपनी पहचान आप थे, अपनी ही वाज द वन एंड ओनली। तो उनके फन के बारे में तो शायद तारीफ के जुमले जो है वो कम पड़ जाते हैं। ये जो जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो तो नॉर्मल फनकारों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मोइन अख्तर एक ऐसे फनकार थे जिनके लिए स्पेशल जुमले तख्लीक करने चाहिए तारीफ के लिए जो उनके फन को जो है ना प्रूफ कर सके। सो उनके बारे में तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन उनका फन इतना बड़ा है कि वो जब तक की जिंदगी रहेगी तो मोइन अख्तर का नाम जो है ना वो हमेशा जो है वो गोल्डन वर्ड्स में याद किया जाएगा और उनका फन जो है ना हमेशा जिंदा रहेगा। मजहबी मैलान होने की वजह से फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और खलके खुदा की ढारस बंधाने का काम करते। वो फलाही काम बहुत ज्यादा करते थे और उनका किसी को पता भी नहीं चलता था कि किसके लिए क्या कर रहे हैं। दूसरों की खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहते थे और उन्होंने जो शोज किए हैं वो भी लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया उनसे। अगर तो हर बाशरूर इंसान में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन मैं बाकायदा मौजूद था और मदद से लगा उनका बहुत था और वो जो आलमी दीन थे उनकी बड़ी कदर करते थे, उनसे मिलते भी थे और उन्होंने अपने घर में ऊपर छत पे एक बड़ी ही खूबसूरत छोटी सी मस्जिद भी बनाई हुई थी जहाँ मैंने भी नमाज पढ़ी है। वो तो जाहिर है उनका तो घर ही था, वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने
अच्छी सी जगह बनाई हुई थी, उसको बहुत ही अच्छी तरह वहां बैठ कर नमाज पढ़ के बड़ा लुत्फ आता था। तो इसलिए ये कहूंगा कि उनका दीनी मजहब बहुत ज्यादा था। मजहबी तो वो शुरू से थे, क्योंकि वो एक अच्छे सच्चे मुसलमान थे, तो ज़रूरतमंद की और गरीबों की उनके दिल में थी, ये तो तय है। शायद पता लोगों को चला था अब कि वो बहुत ज़्यादा मज़हब के करीब सब होते हैं, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं होता, और ये डायरेक्ट अल्लाह से होता है, ये लोगों को पता चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ने उनका साथ नहीं दिया, ये तो आना जाना तो हर एक लगा ही रहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तक मैं रात को कभी कभी उनके प्रोग्राम जरूर देखता हूँ, मतलब जो उनके यार भाई का लूज टॉक है या अरबन मखसूस के साथ प्रोग्राम है या उनके जो शोज है, वो जितने देख के मैं महसूस होता हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर शोज के अलावा एंकर पर्सन जो थे वो तो थे, इसके अलावा और अगर हम हर चीज को मुख्तसर करें और चंद अल्फाज में बयान करें तो मैं ये कहूंगा कि मुझे अख्तर जैसा आर्टिस्ट अभी तक हमारे पास है, ये पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, इतना वर्सटाइल एक्टर जिंदगी में तो भी मैंने नहीं देखा किसी। उनकी सैलानी तबीयत हमेशा लोगों से खुश अखलाकी से पेश आने पर आमादा रहती। जूनियर आर्टिस्ट के साथ उनका मुशफिक रवैया होता और वो हमेशा दूसरों की हौसला अफजाई करते। इंसान वो बहुत बड़े इंसान थे, वो अपने सीनियर्स का, अपने जूनियर्स एक्टर्स जितने भी थे सबका ख्याल रखते थे। उनमें खासियत ये थी कि अगर कोई उनको फंक्शन मिला है जिसमें वो सोलो परफॉर्मर होते थे और स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, तो तीन ज़रूरतमंद फनकारों को, जो छोटे फनकार जिनको कोई पूछता नहीं था, अपने साथ ले जाते थे और उसको ऑर्गेनाइज़र को कहते थे कि भाई ये मेरे साथ है, मैं तो इतने पैसे ले रहा हूँ, इनको इतने इतने पैसे देने हैं, और वो मजबूरन देते थे क्योंकि मोइन अख्तर ने फिर उनसे कहते थे कि जी सॉरी मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आता। तो ये कितनी बड़ी बात है, ऐसे इंसान थे वो। अब मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, बहुत से सीनियर फनकारों को सपोर्ट करते थे, बहुत से जो मुस्तहकीन हैं जो बेचारे बीमार हैं उनकी बहुत कुछ करते थे वो, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत एक अच्छी शख्सियत थी वो, सुलझी हुई बात करनी, मोइन ने कभी कोई घटिया लच्चर जुमला नहीं बोला, उनके अल्फाज का चुनाव भी बहुत अच्छा था, और परफॉर्मर तो वो थे ही थे, लेकिन कोई ऐसी बात, ऐसी लैंग्वेज, ऐसा बिहेवियर कभी ही नहीं था मोइन के अंदर जिससे लोगों को हंसाया जा सके, क्योंकि लोगों को हंसाने के लिए सिर्फ घटिया बात करना जरूरी नहीं होता, अच्छी चुस्ता शाइस्ता मजाक से भी लोगों को खुश किया जा सकता, और वही मोइन करते थे। और बैक स्टेज भी ये कि बिल्कुल अपने टोज पे खड़े रहते थे जब स्टेज पे जाना होता था, भरपूर अपनी परफॉर्मेंस दे के और पूरा अपना जान लगा के वो चाहे सुबह के 4 बजे तक खड़े हों मगर वो इन पीछे नहीं हटते थे। देखिए अक्सर वो हमने कबीर खान साहब के मुंह से ये बात सुनी हुई है कि जो बड़ा फनकार होता है वो सबसे पहले बड़ा इंसान होता है, तभी वो बड़ा फनकार बनता है। तो ये चीज भी मोइन अख्तर के ऊपर जो है वो खत्म थी, प्रूफ थी कि वो जितने बड़े फनकार थे उतने ही बड़े इंसान थे। जिस तरीके से वो हम जैसे जूनियर एक्टर से मिलते थे और उनके पास अगर आप उनसे पहली दफा भी मुलाकात करें तो वो पहली मुलाकात में ही इस तरीके की मुलाकात करते थे कि उनके पास शायद लाइसेंस था कि वो हर किसी से जो है वो तंज मजाक में जो है वो बात कर सकते थे, हर किसी को वो अपना जुमला जो है ना शाइस्तगी में प्यार मोहब्बत में, तो उनके पास ही अल्लाह ताला ने इनको एक लाइसेंस दिया हुआ था कि वो किसी से भी बात कर सकते थे और कोई भी उनके मजाक कभी बुरा नहीं मनाता था, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो तो चाहे वो आम मुझे सा फनकार हो। तो मुझे उनकी 3-4 मुलाकातें हैं मेरी उनकी जिंदगी में, तो हमेशा से वो मुलाकातें, वो शफकत, वो एप्रिसिएशन कूट कूट के उनके अंदर थी। और बीइंग अ जूनियर एक्टर तो
मुझे आज भी उनकी शफकत हमेशा से याद रही। मोइन अख्तर का फनी सफर 45 बरस पर मुहित है, जिसे हर लिहाज से शानदार और मुतासर कुन कहा जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मोइन अख्तर को सितारा इम्तियाज और तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। परफॉर्मिंग आर्ट्स का बादशाह 22 अप्रैल 2011 को हरकत कल्ब बंद होने की वजह से रुखसत हुआ। मोइन अख्तर का शुमार पाकिस्तान के उन आर्टिस्टों में होता है जिन्होंने दिलों पर राज किया और कभी किसी भी रूप में उनके मद्दाहों को उनकी परफॉर्मेंस से मायूसी नहीं हुई। मोइन अख्तर के साथ फने नक्काली और स्टेज परफॉर्मेंस का गोया एक अहद रुखसत हो गया हो। आप क्या करते, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ, छोड़े इस बात को। आपका पेशा क्या है? गर्मियों में सही आता है, सर्दियों में जरा प्रॉब्लम होती है, रुक रुक के आता है।